और यहाँ पे चौड़ में आगे बढ़ते टाइम सांप का चक्कर मौत से टक्कर हो जाता है। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिरान न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटेंस पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार आखिरकार जाके 30 से ज्यादा किल कर पाया मैं। मतलब यार मैं बंदे मिलते ही नहीं भाई सीजन में, पता नहीं क्या ही हो रहा है। हॉट ड्रॉप जाओ, कोल्ड ड्रॉप जाओ, कहीं पे कोई नहीं मिलता। लेकिन इस बार बहुत दबा दबा के किल किए हैं 30 के पार। अब जिस हिसाब से मैं आते ही नॉक हो गया था ना, मुझे कहीं से भी नहीं लग पा रहा था यार कि वीडियो बन पाएगी। लेकिन यार इसी मैच में 30 के पार किल हो जाते हैं। और कट्टा देखो, मैं नॉक हो चुका था उसके बाद भी कट्टे की रिलोड की आवाज रुकी नहीं बिल्कुल भी। खैर जो भी हो, 10 HP पे यार क्लच कुलच करके बंदे पेलने का मजा कुछ और ही होता है। तो इसके टीमें ट्रस्ट करते हैं हम पे। अब देखो, जब आपकी इतनी कम हेल्थ होती है ना यार, आपकी जिंदगी को बोटो से भी खतरा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ पीक एंड फायर का। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मैं पीक एंड फायर नहीं करता तो कद्दू भी नहीं बच पाता मैं, कोई चांस ही नहीं था। खैर जो भी हो, इन दोनों बंदों को पेल दिया है और इनका आखिरी बंदा उधर दीवार के पीछे खड़ा है, तो उसको भी पेलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यू डिक्शनरी ऐप की। तो देखो यार, अगर आपकी अंग्रेजी मेरी तरह बिल्कुल सस्ती और टूटी फूटी है तो ये ऐप आपके बहुत काम आ सकता है। और इसका सबसे बढ़िया फीचर है मैजिक ट्रांसलेट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप अपने दोस्तों को टूटी फूटी अंग्रेजी लिख के भेजते हो और यार आप चाहते हो कि नहीं यार ये ज्यादा टूटी फूटी लग रही है, तो मैजिक ट्रांसलेट की मदद से आप अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी को सही कर सकते हो। और जो भी ग्रामर की आपकी गलतियां होंगी वो भी सही हो जाती हैं ग्रामर फीचर की मदद से। तो हाँ यार, इसके बाद आप भी बिल्कुल चौड़ में, पूरी चौड़ में बात कर सकते हो अंग्रेजी में अपने दोस्तों से। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और हैं, जैसे कि ट्रांसलेट करना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में और वर्ड मीनिंग सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो हाँ यार, इस ऐप को जरूर ट्राई करके देखो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यहाँ पे तुम्हारे भाई की किस्मत चमक जाती है। मतलब उस बंदे पे सिर्फ और सिर्फ एक पिस्तौल होती है, है ना। और मैंने बूस्ट बूस्ट पेल लिया था, तो हाँ पिस्तौल से भी बच गया मैं, नहीं तो यार यही नॉक हो जाता। खैर जो भी हो, जितनी भी लूट पड़ी होती है यहाँ पे मैं लूटता हूँ, आते ही 3 किल मिल चुकी है। लेकिन देखो, जब हम उतरे थे यहाँ पे इनके अलावा और भी कई सारे बंदे थे, है ना। अब या तो कुछ बंदे भग गए होंगे या तो उन्होंने बिछा दी होगी कैंपिंग। खैर जो भी हो, मैं यहाँ आगे की साइड आ जाता हूँ, क्योंकि यार आगे भैया गन गुन चल रही थी, फुटी स्टेप दबा के आ रहे घरों से। तो करना क्या था, लूट लाट मेरे पे काम चलाओ मिल गई है, हीलिंग भी तुम्हारे भाई ने पेल ही दी है, तो अब टाइम है बंदे पेलने का। तो देखो, आगे वाले घर से फुटी स्टेप आ रहे, लेफ्ट और राइट दोनों घरों पे बंदे बैठे पड़े हैं। सामने उसमें भी बंदा है। अब देखो, यहाँ पे मैं गोलियां क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, तो वहां पे नेट नूड हो गया था, है ना, बगल में आके एक नेट गिरा था, तो मुझे कद्दू भी समझ नहीं आया कि कौन कौन नॉक हो चुका है। तो मैं यहाँ अंदर घुसता हूँ, यहाँ पे आके पता चलता है यार मैं इसे नॉक कर चुका था पहले ही। खैर जो भी हो, बगल वाले घर पे भी एक बंदे को नॉक किया था जिसने अपने पे नेट फेंका था। तो देखो, नेट नूड मैं अंदर की साइड फेंक देता हूँ, जिससे आपको भी पता है मेरे को भी पता है कद्दू कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठिपी वगैरह ले रहा हूँ, ऊपर ही बंदे बैठे पड़े हैं, तो हाँ अभी ने उसके पीलना पड़ेगा। क्या मत मार तुम्हार, हेलो ब्रो मत मार भाई। अब जब मैं यहाँ पे घुस रहा था इस घर में, मैं बहुत आशा के साथ घुस रहा था, मेरे मन में बस एक ही बात थी, मेरी किल और मेरी केडी, ठीक है। मतलब पूरे जोश में घुसा था भैया, आज तो किल और केडी सारी
इसी गेम में बढ़ाऊंगा बोल के। लेकिन मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ यार बंदे कूदने लग जाते, बोलते यार हमारी बेटी मत बनाओ, अब देखो कोई कैसे पेल सकता है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ठीक है यार बेटी नहीं बनाएंगे, इन पे जो भी लूट होती है सस्ती सी उसे मैं बेशर्मों की तरह मांगता हूँ। और यार उठा के बोलता हूँ ठीक है यार नहीं पेलेंगे, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग भी चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हारा नाम बताओ भाई। अबे K2। अब यहाँ पे जब मैं सीढ़ी से नहीं खिड़की से नीचे कूदा ना, मुझे लग रहा है यार मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मतलब मीटअप मूटअप करने के बाद जब मैंने बंदे को छोड़ दिया, हमारे भाई कहते अपना नाम बताओ, तो या तो भैया ये लोग मेरा बेकू बना चुके हैं ना, मतलब यार इनको पता था मैं पेटी बना दूंगा तो इन्होंने मीटअप करने का नाटक किया, या तो फिर वो बंदा जो मच्छी की ड्रेस में था, हाँ जिसकी मैंने पेटी बना दी दूसरे कमरे में, वो भाई हमें जानते होंगे और उन भाई ने बोला होगा यार लड़ाई मत करो। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं क्या बोल के निकलता हूँ, यहाँ पे मैं इन लोगों को साफ बोल देता हूँ कि भाई प्लीज अगली बार जब भी मिलोगे आप हमारी पेटी बनाना, हम आपकी पेटी बनाएंगे, है ना। क्योंकि यार हैकर हुकर का तो पता नहीं मुझे पबजी वाले बैन करेंगे कि नहीं, लेकिन देखो जिस हिसाब से मेरे साथ गलत सीन होते हैं ना, यहाँ पे टीम अप पे बैन ना हो जाऊँ मैं। खैर मैं उन भाई को बोलता हूँ कि यार देखो अभी जो हो गया आगे बढ़ो, अगली बार जब भी मिलोगे प्लीज़ इस मैच में अगर दोबारा मिलोगे तो यार आप भी हमारी पेटी बनाना, हम भी आपकी पेटी बनाएंगे। और वो बंदा ठीक है भाई भी बोलता है। क्या करे सामने बंदे, क्या है कवर के पीछे और इनका वो जो बंदा उड़ते हुए आया ना भाई, मेरी फट के चार हो गई। मुझे लगा ठीक है यार गोली गोली चलाइए, क्या पता भाई नीचे ही रुकेगा, लेकिन नहीं वो बंदा पूरे जोश में था भाई। वो कूदने वाले ये क्या है सामने सस्ती चीज पे कूदते हैं, सीधा मेरे मुंह के सामने आते हैं। खैर उन भाई को जैसे तैसे नॉक करके यहाँ पे 1v4 कर देता हूँ, और उतने में ही ऊपर पहाड़ी पे न जाने कितनी स्क्वाड लड़ रही है। ठीक है बिल्कुल दबा के गोलियां चल रही है भाई, मुझे लग रहा है 4-5 स्क्वाड पहुंची पड़ी है वहां पे। तो सीन क्या होता है, असल में इन लोगों ने जो अमेजिंग पार्क में बैठे होते हैं इन्होंने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया होता है, तो देखो इनमें से कोई भी नहीं लूट पाता, लेकिन यार तुम्हारा भाई जरूर लूटेगा उसे। खैर मैं ड्रॉप लूटने जा ही रहा होता हूँ कि ऊपर मुझे बंदे नोक नोक पड़े दिखते हैं, तो मैं भी डीपी पटकाता हूँ। एटैक्स में गिरा रहा हूँ यहीं पे। तो ऊपर फुल पावर लड़ाई चल रही है, देखो लड़ाई चल रही थी तो मैंने भी हाथ धो लिया, एक बंदे को नो कर दिया, लेकिन यार उसकी पेटी मेरे ख्याल से कोई और ही बना पाएगा। खैर जो भी हो, यहाँ पे ग्रोजा और AWM पड़ी होती है, तो हाँ ये लूटने के बाद फुल जोश टैप आ जाता है। तो करना क्या था, मैं गाड़ी उठाता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है देखो बंदों से खतरा है ठीक है, लेकिन यार ये जो लाल जोन बना है ना, जो कि अब पीला हो चुका है क्योंकि यार कलर के साथ छेड़छाड़ कर दी मैंने वहाँ पे जाके, लेकिन हाँ लाल जोन खतरे की घंटी है, पेटी कभी भी बना सकता है ये। लेकिन क्योंकि तुम्हारा भाई ढीट है तो उसके बाद भी रस करता है। और यहाँ पे चौड़ में आगे बढ़ते टाइम सांप का चक्कर मौत से टक्कर हो जाता है, है ना। मतलब इस सांप के पीछे एक और सांप बना होता है और वो डीपी पटका रहा होता है। मैं बोलता हूँ ठीक है यार वो कहीं पे डीपी पटका रहा है, मैं पीछे से पेटी पटका दूंगा उसकी, लेकिन उसका भाई उसी के बगल में लेटा होता है और यार M762 पटका देता है वो मेरे। हील कर
अब देखो यहां पे रुक के अगर मैं हील करूंगा ना तो यार 100% गारंटी मेरी पेटी बन जाएगी, तो मैं कवर में आता हूं। और कवर में आके ये दोनों सांप भाइयों की पेटी बना देता हूं। मतलब जिस हिसाब से बैरल की आवाज आ रही थी ना, वही M762 यार, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा। और यार उस गन की आवाज ही इतनी खतरनाक है कि क्या ही बताऊं, फट के चार हो जाती है। खैर जो भी हो, यहां पे मैं हील नहीं करता, पहले मैं कवर में आता हूं और पीक पाक करके दोनों की पेटी बना देता हूं। और यार तैयार हो जाओ, क्योंकि गाड़ी में नॉक करने वाला हूं मैं किसी को। तो हमारे ये भाई गाड़ी लेके धड़ पैड़ यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हाँ मतलब वो लोग बोलते हैं यार ये सांप आपस में भिड़ गए, हम लोग कल्टी हो जाते हैं। लेकिन मैं था ढीठ, मैंने बोला यार गाड़ी में बैठ रहे हो, और किस्मत भी उसी टाइम चमक गई, गलती से हेडशॉट भी लग गया। लेकिन वो बंदा भी नॉक हुआ था, तो यार उसका टीममेट भी आगे कहीं बैठा पड़ा है। तो हमारे इन भाई को लग रहा होता है कि यार यहाँ पे मजाक चल रहा है। हरा मतलब यार मैं यहाँ पे AWM लेके खड़ा हूँ, लेकिन बंदा बिल्कुल कवर से बाहर आके स्प्रे दे रहा है। भाई की अलग ही चोट थी। खैर उसे पता होगा कि यार मेरी स्नाइपिंग सस्ती है, लेकिन हाँ दूसरी बार तुक्का लग जाता है। तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मजे में लूट रहा होता हूँ। लेकिन उतने में ही एक और गाड़ी आती है, हाँ एक और सकौड़ आ चुकी है। और यार तैयार हो जाओ, क्योंकि 4 किल और होने वाली है, मजे लो यार इसके। पत्थर के पीछे। और हमारे ये भाई चुपके से पिक कर रहे होते हैं। मतलब पहले बंदा स्प्रे देता है, कवर में जाता है, उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे पीक करके राइट की साइड आ रहा होता है। देखो मैं था ढीठ, ऐसा नहीं है कि यार जोन आ गया तो मैं अंधा भागने लगूंगा, नहीं यार मैं भले ही जोन से ठिलूंगा, लेकिन यार उस बंदे की पेटी जरूर बनाऊंगा। तो मैं था ढीठ, मैं स्कोप खोल के बैठा था, यार बंदा बहुत धीरे से आता है, ठीक है, बोलता है कि यार आज तो मैं हल्का सा पीक करूंगा और धैड़ पेटी बनाऊंगा इनकी। लेकिन यार मेरा सखोप बिल्कुल उसके सर पे ही खुला होता है। हाँ ये फायदा हो गया यार, मतलब सस्ता ऐसी स्नाइपिंग है मेरी सस्ती, और सर पे ही सखोप खुला मिल गया तो यार मजा टैप आ गया बिल्कुल ही। तो सीधा सर पे गोली लगती है और 4 के 4 बंदे टिल जाते हैं। तो हाँ भाई लोग, यहाँ पे मुझे नहीं पता कितनी सकॉर्ड बैठी थी, कितनी सकॉर्ड मेरे बाद आई, मेरे से पहले कितनी सकॉर्ड लड़ चुकी थी, लेकिन यार बंदे दबा के आए थे इधर। हॉट ड्रॉप पे कोई नहीं आएगा, लेकिन यार कहीं पे भी अनजान जगह में फाइट होगी, पूरी जनता वहां पहुंच जाती है। खैर जो भी हो, अपन लोग यहीं थे, तो यार किल बढ़िया मिल गई और एक गाड़ी भी मिल जाती है यहाँ पे। गाड़ी अब देखो अगर वो बंदा रिवाइव वगैरह हो गया ना यार, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या बोलता हूं, बोलता हूं भैया गाड़ी चलाओ, इनकी पेटी बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग टाइम पे आके टाइम पे पेटी बना देते हैं, है ना, क्योंकि यार अगर ये रिवाइव हो जाता फिर ये लोग स्मोक बनाते, फिर ये लोग गाड़ी से भगते, हमें नॉक करते, मैं नॉक करता, बहुत दिक्कत होती, इसलिए यार पहले ही रस कर दिया। तो हाँ भाई लोग, यार ये बदतमीजी वाले रस जिसमें हम भी ठिल सकते थे, और वहाँ पहाड़ पे न जाने कितनी सकॉर्ड ठिला यार, उस सब के लिए एक लाइक जरूर पेल देना, ठोक के ब्लू जोन की तरह नीला टैप कर दो। खैर उसके बाद यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि यार बाकी बंदों को भी ठिलाना है। देखो अच्छी खासी किल हो चुकी है, बंदे भी ठीक ठाक अलावे, तो हाँ
30 किल करने की चाह जग जाती है मन में। तो मैं बोलता हूँ भैया जल्दी गाड़ी गुड़ी ढूंढो जिस पे बढ़िया पेट्रोल हो और रस रूस करो घरों पे। तो देखो एक ही घर है जोन में, अगर मैं यहाँ पे गाड़ी घुमाता हूँ तो घर पे कोई आ जाएगा और बाकी बंदे आपस में ढिल जाएंगे। तो मैं घर पे आके रुका हूँ, इंतजार कर रहा हूँ बंदों का, क्योंकि देखो मानो या ना मानो ज़्यादातर बंदे घरों की साइड ही आते हैं। तो मैं इस बड़े वाले घर पे घुस जाता हूँ और इंतजार करता हूँ बंदों के आने का। और यहाँ पे दोनों बंदे पता नहीं कहाँ से आते हैं, भगते हुए बेहराउस घुस जाते हैं। तो मैं नेट फेंक देता हूँ। और जब तक मैं ये समझ पाता कि यार मीटअप हो रहा है दोबारा से, तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब एक बंदा बाहर आता है, मैं पूरे जोश में होता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई पेटी बनाओ, ठीक है। जब तक मैं गोली रोकता हूँ यार वो नॉक हो जाता है, मैं बोलता हूँ ठीक है कोई नहीं यार एक और बंदा है पीछे। लेकिन यार हर बार मैं नेट करता हूँ कभी नहीं फटता, लेकिन इस बार नेट फट जाता है। हाँ जब मैं सोच रहा हूँ तो ठीक है यार रिवाइव मिल जाएगा, मैं फिर से इन्हें बोलूँगा कि भाई अगली बार प्लीज़ फाइट लो, तब तक वो बंदा नेट से ढिल जाता है। और मैंने बोला भी था यार कि प्लीज़ अगली बार फाइट लेना, लेकिन यार मैं ढीट हूँ तो यार वो लोग भी ढीट थे। और जैसा कि मुझे लग ही रहा था यार देखो जोन में एक आधी घर बचे हैं तो बंदे यहाँ पे दबा के आएंगे। तो आगे एक और गाड़ी आती है भेराउस में, भेराउस के पीछे वो लोग गाड़ी ठोकते हैं और यहाँ पे नेड करने के चक्कर में यार मेरे मुंह के सामने से दो बंदे भग के चल जाते हैं। यार मतलब कभी भी मेरे साथ नेड करने से अच्छा नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। एक आध बार किस्मत चमकती है नेड फट जाता है, लेकिन हर बार मेरा घाटा ही होता है नेड करने से। और पहले यार स्नाइपिंग में गलती से हेडशॉट लगते थे, इस बार ग्रुजा में गलती से हेडशॉट लग गया। मतलब कैसे वो बंदा नॉक हुआ, क्यों वो बंदा नॉक हुआ यार मेरी समझ के बिल्कुल ही पा रहे है। खैर मेरे पे एक नेड पड़ा होता है तो मैं फेंक देता हूँ उसे। लेकिन यार इस बार जरूरत होती है नेड के फटने की, यार कोई भी नहीं ढिलता, ठीक है। जहां तक मुझे पता है यार डैमेज भी नहीं हुआ होगा किसी को। खैर जो भी हो थोड़ी देर में रुकता हूँ और उतने में ही ये लोग अपने पे रस कर देते हैं। और इनका एक बंदा लेफ्ट से फ्लैंक करता है और एक बंदा राइट पहुंच चुका होता है। और उस बेचारे बंदे का फ्लैंक यार उसी पे भारी पड़ जाता है। मतलब भाई को लगा होगा यार आज तो फ्लैंक करके पेटियां बनाऊंगा, लेकिन यार उसे कोई पीछे से डस लेता है बिल्कुल। और अपने इस सस्ते स्प्रे से आपका ध्यान भटकाने के लिए मैं बात करूंगा यार कि वहां पे 200 कॉर्ड आ चुकी है और वो अब आपस में ढिल जाएंगे। तो यहां पे मैं खड़े होके नाकाम स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही सस्ता यार, डैमेज तक नहीं होता किसी को। तो मैं बोलता हूँ यार जल्दी से आगे रस कर दो, नहीं तो ये लोग आपस में पेटियां बना लेंगे और जो मेरा 30 किल का सपना है ना वो बिल्कुल टूट के चार हो जाएगा। तो मैं रस कर देता हूँ इन पे यहाँ पे। और यहाँ पे पूरी फील्डिंग बिछा रखी होती है, ठीक है। एक बंदा लेफ्ट में टीपीपी ले रहा होता है, एक राइट में पता नहीं कहाँ पे होता है। वो महंगा सूट यार कौन सा है, वो भालू वाला सफेद भालू सूट यार, देख के यार फट जाती है बिल्कुल ही। तो इन दोनों को मैं जैसे तैसे पेलता हूँ, इनमें से किसी एक पे MK-14 होती है। और यार जब एक गोली की आवाज आती है ना एमके की, मुझे लगता है मैं गया यहाँ पे। और ऊपर से दो बंदे यार बचना मुश्किल टैप हो जाता, लेकिन जैसे तैसे करके किस्मत चमकती और दोनों को लिटा लेता हूँ मैं। और यहाँ पे ग्रोजा नहीं होती तो यार मैं भी नहीं होता यहाँ पे अभी। खैर चार बंदे जिंदा होते हैं और उनमें से एक यहाँ पीछे पे लेटा पड़ा है बिल्कुल ही। और देखो इसे मैं
AWM से मार सकता था, लेकिन यार गिनी चुनी गोलियां बाकी हैं और आगे तीन बंदे और जिंदा है और वो तीनों एक ही टीम के हैं, तो मैं गोलियां बचा लेता हूँ। मुझे लगता है यार क्या पता स्नाइपिंग करनी पड़ जाए, वैसे सस्ती स्नाइपिंग है, इन तीन गोलियों से मैं एक को भी नहीं ठिला पाऊंगा, लेकिन फिर भी लालची था तो बचा ली गोली। खैर यहाँ पे मैं बूस्ट बास्ट करके भेराउस की तरफ भाग लेता हूँ, क्योंकि यार जोन भी इसी साइड होता है और बंदे भी इसी साइड होते हैं, तो देखो यहाँ से फूटी स्टेप वगैरह आते हैं लेकिन बंदे किधर हैं मुझे कद्दू भी नहीं पता। तो मैं भेराउस के अंदर घुसता हूँ, ठीबी भी लेने लग जाता हूँ और आगे ट्रक के पीछे एक बंदा ठीपी पी ले रहा होता है और उसके साथ गलत सीन हो जाते हैं। और ग्रोजा के जहरीले स्प्रे से मैं तीनों बंदों को ले जाता हूं। हरा वो ट्रक वाला यार बोल रहा होगा कि कैसे क्यों, मतलब यार भाई का पाँव दिख रहा था, मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी दवा की गोलियां चलाओ, बंदे के पाँव पे बहुत ही ज्यादा गोली पेलनी पड़ती है, लेकिन हाँ आखिरकार वो नोक हो जाता है। उसके बाद भाई के दो टीममेट बिल्कुल जोश में रस करते हैं, लेकिन यार मैं ठीपी भी ले रहा था, उसके ऊपर से ग्रोजा थी मेरे पे, तो यार उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये 31 किल देख के जो खुशी हुई ना दिल में, बहुत अलग लेवल की थी, मतलब पता नहीं क्यों कोई आता ही नहीं है। ठीक है हॉट डीरॉप ले लो, सस्ता डीरॉप ले लो, ठंडा डीरॉप ले लो, कहीं पे कोई नहीं आता, लेकिन यार इस बार जैसे तैसे करके बंदे मिल जाते हैं और 31 किल हो जाते हैं। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, जाते जाते लाइक के बटन को पहला मत भूलना यार, ठोक के रख दो लाइक के बटन को, और यार जाते जाते यू डिक्शनरी ऐप चेकआउट करना मत भूलना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।